पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? ए पटना, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी अहमदाबाद। आंसर: वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर्वेद महामंदिर का भी उद्घाटन किया। यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। नवनिर्मित स्वर्वेद महामंदिर 3 लाख वर्ग फीट में फैला है। इस सेंटर में 1 साथ 20,000 लोग योग सेशन में भाग ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अ 16 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 18 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। आंसर: 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का थीम सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? ए अरुणिमा सिन्हा, बी लवराज सिंह धर्मशक्तु, सी शेख हसन खान, डी अंशु जामसेम्पा। आंसर: शेख हसन खान। केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतह कर लिया है। उनके द्वारा फतह की गई यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन समुद्र तल से 4,892 मीटर 16,050 फीट ऊपर है। माउंट विंसन के अलावा खान ने 4 अन्य ऊंची चोटियों एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट देनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्ब्रस पर विजय प्राप्त की है। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? ए एडम जंपा, बी रविंद्र जडेजा, सी नाथन लियोन, डी रविचंद्रन अश्विन। आंसर: नाथन लियोन। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पैर टेस्ट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले 3रे गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिर्फ शेन वॉन 708 और ग्लेन मैकग्रा 563 उनसे आगे है। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? ए सूर्य कुमार यादव, बी जसप्रीत बुमराह, सी हार्दिक पंड्या, डी ईशान किशन। आंसर: हार्दिक पंड्या। एक्सप्लेनेशन: मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2024 सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया। हाल ही में मुंबई ने गुजरात की टीम से हार्दिक पांड्या के लिए ट्रेड डील किया था। हाल ही में किस संस्थान द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नैनोस्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड विकसित किया गया है? ए आईआईटी गांधीधाम, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी मद्रास। आंसर: आईआईटी मद्रास। एक्सप्लेनेशन: आईआईटी मद्रास द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नैनोस्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड विकसित किया गया है। जब अमृत नैनोस्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड में से पानी गुजारा जाता है तो यह आर्सेनिक को हटा देता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 14 दिसंबर। आंसर: 14 दिसंबर। एक्सप्लेनेशन: प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 1991 से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। किस उद्देश्य के लिए आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? ए स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, बी खाद्य उत्पादों के विपणन को सुधारने के लिए, सी सांस्कृतिक विनोद के लिए, डी खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एक्सप्लेनेशन: आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का उद्देश्य लोगों में मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को प्रमोट करना और एक बड़ा बाजार स्थापित करना भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी यमन, डी ईरान। आंसर: बी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सऊदी अरब के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सऊदी अरब के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 18 अगस्त 2023 को सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए गए थे। MOU का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ई गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई स्वास्थ्य और ई शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेगा। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? ए इंडोनेशिया, बी ईरान, सी इटली, डी दक्षिण कोरिया। आंसर बी एक्सप्लेनेशन। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान सरकार ने भारत और खाड़ी देशों सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को हटाने की घोषणा की है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन्न देशों से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है। इस फैसले के बाद अब कुल 45 देशों के लोग बिना वीजा के ईरान जा सकेंगे। भारत वर्तमान में ईरान के साथ वीजा छूट व्यवस्था रखता है, जो मुख्य रूप से भारतीय राजनयिकों के लिए फायदेमंद है। कौन सी टीम टेस्ट मैच के एक ही दिन में 400 रन बनाने वाली दूसरी महिला टीम बन गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, डी भारत। आंसर डी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले ही दिन 410 रन बनाकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम ने मुंबई में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 428 रन का मजबूत स्कोर बनाया। 14 दिसंबर को पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 410 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। इस विशाल स्कोर के साथ भारत 88 साल में टेस्ट मैच के एक ही दिन में 400 रन बनाने वाली दूसरी महिला टीम बन गई। विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। आंसर सी एक्सप्लेनेशन। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इस दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया था। भारत पाक 1971 के युद्ध भारत की विजय दिवस के रूप 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए गाजियाबाद, बी न्यू दिल्ली, सी नोएडा, डी गुरुग्राम। आंसर बी एक्सप्लेनेशन। नई दिल्ली, 15 दिसंबर। भाषा दिल्ली की खेल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को छत्रसाल स्टेडियम में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया। आतिशी ने कहा कि चीन में एशियाई खेलों में देश की हालिया जीत के बाद पूरा देश गर्व की भावना से भर गया है। इस मौके पर आधिकारिक बयान में आतिशी कहा, हमारे खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और निरंतर सफलता को हासिल किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? ए सूरत, बी वडोदरा, सी अहमदाबाद, डी राजकोट। आंसर ए एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित होने पर सूरत विमानपत्तन न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि यह राज्य के समृद्ध हीरा एवं वस्त्र उद्योगों को भी निर्बाध निर्यात आयात संचालन की उच्चस्तरीय सुविधा प्रदान करेगा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टॉक को किस टीम ने खरीदा? ए सनराइजर्स हैदराबाद, बी केकेआर, सी मुंबई इंडियंस, डी चेन्नई सुपर किंग्स। आंसर केकेआर। एक्सप्लेनेशन। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक को केकेआर ने 24.75 करोड़ में खरीदा, जो अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ रुपये में खरीदा। कमिंस आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर हरियाणा। एक्सप्लेनेशन। पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG में हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित सर्वाधिक 105 पदक हासिल कर पदक तालिका में टॉप पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 10 दिसंबर को नई दिल्ली में की गई थी। उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि तमिलनाडु 42 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ए भूपेश बघेल, बी रमन सिंह, सी शत्रुघ्न सिन्हा, डी अशोक गहलोत। आंसर रमन सिंह। एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व सीएम रमन सिंह को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का डिप्टी सीएम अरुण साव और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने समर्थन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? ए 75, बी 67, सी 57, डी 47। आंसर 57। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सरकार ने गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, कानपुर देहात, इटावा और रामपुर समेत राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। हाल ही में फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारामुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? ए विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सी मंचगांव शिपयार्ड लिमिटेड, डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। आंसर विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारामुगली को कमीशन किया गया है। आईएनएस तारामुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर 2। एक्सप्लेनेशन: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ये अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्र शेखर शेट्टी और रणकी रेड्डी सात्विक साई राज को प्रदान किए जाएंगे। वहीं इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? ए अंटार्कटिका क्षेत्र, बी अटलांटिक क्षेत्र, सी आर्कटिक क्षेत्र, डी प्रशांत क्षेत्र। आंसर आर्कटिक क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतीय अभियान में भाग लेगा। साल 2008 से भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित करता है जो ज्यादातर गर्मियों अप्रैल से अक्टूबर के दौरान संचालित होता है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? ए पूनम खेत्रपाल सिंह, बी ममता बैनर्जी, सी एस जयशंकर, डी जया बच्चन। आंसर पूनम खेत्रपाल सिंह। एक्सप्लेनेशन: WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पूनम पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहादे द्वार योजना की शुरुआत की? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर पंजाब। एक्सप्लेनेशन: पंजाब राज्य सरकार ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाडे द्वार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में करीब 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। हाल ही में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है? ए DGCA, बी इसरो, सी DRDO, डी BARC। आंसर DRDO। एक्सप्लेनेशन: DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है। यह एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन है। यह उड़ान परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से आयोजित किया गया था। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जो फ्लाइंग विंग तकनीक में दक्ष हो गए हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ए सूर्य कुमार यादव, बी शुभमन गिल, सी रोहित शर्मा, डी मोहम्मद शमी। आंसर मोहम्मद शमी। एक्सप्लेनेशन: वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
यह अवार्ड अगले वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? ए 13,000 करोड़, बी 12,000 करोड़, सी 10,000 करोड़, डी 9,000 करोड़। आंसर 13,000 करोड़। एक्सप्लेनेशन। वित्त वर्ष 2023-2024 से 2027-28 तक के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी। किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? ए बृजभूषण शरण सिंह, बी बजरंग पुनिया, सी अनीता श्योरण, डी संजय सिंह। आंसर संजय सिंह। एक्सप्लेनेशन। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अगला अध्यक्ष चुना गया। सिंह को WFI चुनावों में 40 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी अनीता श्योरण को केवल 7 वोट मिले। यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से गहरा नाता है और वो वाराणसी के रहने वाले हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? ए विस्तारा, बी एयर इंडिया, सी इंडिगो, डी स्पाइसजेट। आंसर इंडिगो। एक्सप्लेनेशन। भारतीय एयरलाइन इंडिगो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। इंडिगो साल 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को लाने ले जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो ने पिछले 6 महीने में 20 नए इंटरनेशनल रूट पर अपनी उड़ान शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 18 दिसंबर, बी 19 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। आंसर 20 दिसंबर। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर लोग गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को खत्म करने के तरीकों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। 20 दिसंबर 2002 को UN ने विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए अयाना मैकलीन, बी हार्दिक सिंह, सी अमनप्रीत सिंह, डी बलबीर सिंह। आंसर हार्दिक सिंह। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने घोषणा की कि भारत के हार्दिक सिंह और सविता ने 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। साल 2021 और 2022 में जीतने के बाद ये सविता का लगातार तीसरा FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। आंसर तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत को लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण आगामी वर्ष में 19 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? ए अर्जुन मुंडा, बी स्मृति ईरानी, सी अनुराग ठाकुर, डी निर्मला सीतारमण। आंसर अर्जुन मुंडा। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? ए मध्य रेलवे, बी पूर्व रेलवे, सी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, डी पूर्वी तट रेलवे। आंसर मध्य रेलवे। एक्सप्लेनेशन। मध्य रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन प्रणाली शुरू की है। लाल पुश बटन के रूप में डिजाइन किया गया पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा के रूप में लोकल ट्रेनों में 4 महिला कोचों में से प्रत्येक के अंदर स्थापित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाख से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण का सामना कर रहा है? ए यमन, बी फिलिस्तीन, सी सीरिया, डी अफगानिस्तान। आंसर अफगानिस्तान। एक्सप्लेनेशन। WHO के अनुसार अफगानिस्तान गंभीर बाल कुपोषण संकट का सामना कर रहा है, जिससे 10 लाख से अधिक बच्चे प्रभावित हैं, और बढ़ते संकट से निपटने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता और फंडिंग का आग्रह किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड कर दिया।
वैक्सीन का नाम क्या है? ए FN04 वैक्सीन, बी R21 वैक्सीन, सी B21 वैक्सीन, डी AS01 वैक्सीन। आंसर R21 वैक्सीन। एक्सप्लेनेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया के लिए प्री क्वालिफाइड टीकों की अपनी सूची में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को शामिल किया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। अक्टूबर 2023 में WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इसके इस्तेमाल की सिफारिश की थी। कौन सा देश 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? ए यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, सी जापान, डी फ्रांस। आंसर यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन। यूनाइटेड किंगडम 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा। यूरोपीय संघ के बाद यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने का फैसला किया है। इससे यूके उद्योग को डिकार्बोनाइजेशन में निवेश करने का विश्वास मिलेगा। हाल ही में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA टर्मिनल 2T2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ये कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी चेन्नई, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। आंसर बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA टर्मिनल 2T2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इसे यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह यूनेस्को से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए दिए जाते हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता का नाम बताएं, जिसने 21 दिसंबर को नई दिल्ली में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। ए विनेश फोगाट, बी साक्षी मलिक, सी बजरंग पुनिया, डी बबीता कुमारी। आंसर साक्षी मलिक। एक्सप्लेनेशन। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने 21 दिसंबर को नई दिल्ली में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। साक्षी ने रियो 2016 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और अपने ओलंपिक डेब्यू में ही कांस्य पदक जीता। ये किसी महिला पहलवान द्वारा जीता गया भारत का पहला ओलंपिक पदक था। साक्षी मलिक ने आखिरी बार 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था और स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? ए हैवेल्स, बी बजाज, सी पॉलीकैब, डी क्रॉम्पटन। आंसर क्रॉम्पटन। एक्सप्लेनेशन। क्रॉम्पटन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड CGCEL को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया। क्रॉम्पटन को यह उपलब्धि उसके स्टोरेज वाटर हीटर के लिए वर्ष 2023 के सबसे अधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में मिली। ये पुरस्कार ऊर्जा कुशल नवाचारों के प्रति क्रॉम्पटन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज लॉन्च किया जाएगा? ए हरियाणा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आंसर बिहार। एक्सप्लेनेशन। बिहार पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना है। विशिष्ट मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जांच, जिसमें आरोप पत्र दाखिल करना भी शामिल है, FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अगला प्रश्न। कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिया गया? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राज्य के 51 किसानों को राजधानी लखनऊ में ट्रैक्टर उपहार में दिए। ट्रैक्टर कृषक उपहार योजना के तहत दिए गए थे, जिसका उद्देश्य राज्य में किसानों की सहायता करना था। अगला प्रश्न। हाल में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? ए सुमित त्यागी, बी सुमित अंतिल, सी सुमित सिंह, डी सुमित त्रिपाठी। आंसर सुमित अंतिल। एक्सप्लेनेशन। विश्व चैंपियन और साल 2020 के पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 किस राज्य में होने वाला है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी उड़ीसा। आंसर ओडिशा। एक्सप्लेनेशन।
अल्टीमेट खो खो यूके के का 2023-2024 सीजन टूर्नामेंट का आगामी दूसरा संस्करण है, जो 24 दिसंबर से 13 जनवरी 2024 तक कटक ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। इसमें 6 टीमें 34 मैच खेलेंगी। इसका फाइनल 13 जनवरी 2024 को ओडिशा के शहर कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए गोपीचंद पी, बी प्रकाश पादुकोण, सी वीटा दानी, डी पेट्रा सोरलिंग। आंसर वीटा दानी। एक्सप्लेनेशन, खेल परोपकारी और उद्यमी वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी। इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई। अल्टीमेट टेबल टेनिस के अध्यक्ष के रूप में वह खेल के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं, समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं और भारत के 25 राज्यों में कई टूर्नामेंटों का आयोजन कर रही हैं। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? ए इराक, बी रूस, सी अंगोला, डी ईरान। आंसर अंगोला। एक्सप्लेनेशन, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अंगोला 2007 में ओपेक का सदस्य बना था। इससे पहले 2020 में इक्वाडोर और 2019 में कतर इस संगठन से बाहर निकल चुके हैं। ओपेक एक स्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए तन्वी शर्मा, बी आशा सिन्हा, सी अदिति पारेख, डी अनमोल खरब। आंसर अनमोल खरब। एक्सप्लेनेशन, गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीता। पुरुष एकल का खिताब गैरवरीयता प्राप्त चिराग सेन ने चौथी वरीयता प्राप्त थारू एम को हराकर जीता। प्रिया देवी कोंजेंगबम और श्रुति मिश्रा ने महिला युगल का खिताब जीता। अगला प्रश्न, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ए विदित गुजराती, बी अर्जुन एरिगेसी, सी डोम्मराजू गुकेश, डी आर प्रज्ञानंद। आंसर डोम्मराजू गुकेश। एक्सप्लेनेशन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब डोम्मराजू गुकेश ने जीता। इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी ने दूसरा स्थान हासिल किया। अर्जुन और गुकेश दोनों ने प्रतियोगिता को 7 में से 4.5 अंक हासिल किए। गुकेश ने टाई ब्रेक पर यह टूर्नामेंट जीता। इससे पहले आर प्रज्ञानंद ने इस साल बाकू अजरबैजान में आयोजित फाइग विश्व कप 2023 में दूसरे स्थान पर रहकर कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई किया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 24 दिसंबर, बी 31 अक्टूबर, सी 24 जनवरी, डी 15 मार्च। आंसर 24 दिसंबर। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। अगला प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? ए फंडिंग की कमी, बी एकाधिक उल्लंघन, सी एथलीट डोपिंग मुद्दे, डी प्रशासनिक दक्षता। आंसर एकाधिक उल्लंघन। एक्सप्लेनेशन, खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया, क्योंकि नवनिर्वाचित संस्था ने पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की थी। भारत के पहले AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? ए लखनऊ, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आंसर लखनऊ। एक्सप्लेनेशन, नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ शहर को भारत के पहले AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। नोएडा पहले से ही IT के केंद्र के रूप में उभरा है। इसी की तर्ज पर अब लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों का भी विकास IT हब के रूप में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी अजिंक्य रहाणे, डी KL राहुल। आंसर विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। रोहित ने अब तक WTC में 26 टेस्ट की 42 पारियों में 2097 रन बनाए हैं।
विराट अभी तक 35 टेस्ट मैचों की 57 पारियों में 2101 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। आंसर, बिहार। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया? ए INS कवरत्ति, बी INS ध्वज, सी INS चक्र, डी INS इम्फाल। आंसर, INS इम्फाल। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना में हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया। INS इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन युगपोक डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। एक्सप्लेनेशन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस जयंती मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर उड़ान का गंतव्य क्या था? ए निकारागुआ, बी पेरिस, सी दुबई, डी मुंबई। आंसर, निकारागुआ। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस में मानव तस्करी के आरोप में उतारी गई फ्लाइट ने भारत वापसी के लिए उड़ान भर ली है। इस फ्लाइट ने दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरी थी। जब फ्लाइट फ्रांस में उतरी तो उसे जांच के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया था। हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ए 13 अप्रैल, बी 7 जून, सी 26 जनवरी, डी 26 दिसंबर। आंसर, 26 दिसंबर। एक्सप्लेनेशन, 26 दिसंबर को भारत दो युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? ए हरियाणा, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आंसर, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए बटेश्वर में थे। मुख्यमंत्री योगी 10,451.43 लाख लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण की किया। अगला प्रश्न, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी राजनाथ सिंह। आंसर, नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपये में भुगतान किया? ए रूस, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब, डी ईरान। आंसर, संयुक्त अरब अमीरात। एक्सप्लेनेशन, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए यह भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? ए श्रीराम जंक्शन, बी रामनगरी, सी अयोध्या धाम, डी अयोध्यापुरी। आंसर, अयोध्या धाम। एक्सप्लेनेशन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं पूर्व में आवंटित स्टेशन कोड AY को बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा?
ए महाराष्ट्र, बी मेघालय, सी असम, डी गुजरात। आंसर असम। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारालांगसो दीफू में आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा भाग लेते हैं। अगला प्रश्न: यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? ए एमफिल डिग्री, बी स्नातक की डिग्री, सी स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डी पीएचडी डिग्री। आंसर एमफिल डिग्री। एक्सप्लेनेशन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न: केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? ए मलेशिया, बी यूएसए, सी जापान, डी इटली। आंसर इटली। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हुए प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी और अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों को हल किए जाने में आसानी होगी। इस समझौते पर 2 नवंबर 2023 को दोनों देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न: देसिया मुरपोकु द्रविड़ कलगम डीएमडीके के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ए विजयकांत, बी बोंडा मणि, सी जी मारिमुथु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर विजयकांत। एक्सप्लेनेशन: अभिनेता से नेता बने और देसिया मुरपोकु द्रविड़ कलगम डीएमडीके के संस्थापक विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। 14 दिसंबर को डीएमडीके की बैठक के दौरान उनकी पत्नी वी प्रेमलता को पार्टी प्रमुख चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया और उन्हें तमिल फिल्म जगत का लीजेंड बताया। हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहां शुरू होगा? ए केरल, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी गुजरात। आंसर उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड ने एयर सफारी उत्तराखंड टूरिज्म को लॉन्च करके पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसमें टूरिस्ट एक सीट वाले जायरोकॉप्टर के जरिए हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। अगला प्रश्न: हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। आंसर बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार ने भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल आईबीपी रूट विस्तार करने और पश्चिम बंगाल में सफरदिगी को नया पोर्ट घोषित करने पर सहमति व्यक्त की। अगला प्रश्न: केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी रूस, डी न्यूजीलैंड। आंसर न्यूजीलैंड। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत का और न्यूजीलैंड के रिश्तों में और मजबूती आएगी। इस वाणिज्य दूतावास के 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना है। अगला प्रश्न: आरबीआई स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? ए बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए, बी तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, डी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति देना। आंसर तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30 दिसंबर से प्रभावी रविवार और छुट्टियों सहित रात भर के आधार पर स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ के तहत तरलता सुविधाओं की उपलब्धता की घोषणा की है। नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ केओस क्षुद्रग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया था? ए वेरिटास, बी जेमिनी, सी ओसायरिस एपेक्स, डी क्रॉस एलपीआरपी। आंसर ओसायरिस एपेक्स। एक्सप्लेनेशन: नासा ने पृथ्वी से टकराने वाले गॉड ऑफ केओस एस्टेरॉइड को रोकने के लिए नया मिशन शुरू किया है। एस्टेरॉइड एपोफिस, जिसे गॉड ऑफ केओस या अराजकता के देवता भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब से उड़ान भरने की संभावना है और यह केवल 20,000 मील दूर स्थित होगा।
नासा ने अंतरिक्ष यान ओसायरिस एपेक्स को 2029 में क्षुद्रग्रह एपोफिस के बेहद करीब से उड़ान भरने का अध्ययन करने के लिए भेजा।